गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सबको गोवर्धन या गोधन जो भी आप बोलते हो उसके लिए सबको शुभकामनाएं। और आज है गोधन। मैं दिखाती हूँ आपको कल का पिछला लुक अपना और आज हम क्या करेंगे, तो सबके साथ सब शेयर करो हमारे साथ और हम आपके साथ। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं। अब मुझे कल जो दिवाली में मैंने दीपक वगैरह जलाए हैं उनको सबको समेट के रखना है और पहले मैं सुबह सुबह के काम निपटाती हूँ, आगे मैं फिर आपके साथ शेयर करती हूँ बाद में मुझे क्या करना है, क्या बनाना है, क्या मेरी रेसिपी होगी आज। यहाँ से शुरुआत करते हैं। रात में खीर बनाई जाती है अमावस्या की, तो खीर से भगवान जी को भोग लगाया जाता है। ये सब गाय को जाएगा और जिससे पूजन करते हैं सब थाली उठा के रख दी जाएगी। तो ये दीपक जलाया था रात में मैंने, पूरी रात जल के भी अभी इसमें बहुत तेल बचा है। कितने मतलब आराम आराम से जला भी पूरा तेल इसमें बचा हुआ है, पूरे दिन जलेगा, इसको कोई देखना नहीं पड़ता, एक बार जला के रख दिया है। आप इसे चाहें तो घर के चारों कोनों में भी जला सकते हैं और चाहे तो दो दो बत्ती डाल के दो कोनों में लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी जैसी आपका कैपेसिटी है वो। तो ये भी और टाइम लेगा और ये रेलिंग वाले दीपक अब मैं उठा के रख दूँगी। और ये दिवाली वाली रंगोली है, इसे अभी हम 2 दिन रखेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। और ये मैंने बचे हुए रंगों से कुछ बनाया है। यहाँ होती है दिवाली समाप्त। ये भी दीपक मैंने रात में जलाया था, ये भी अभी चल रहा है और काफ़ी टाइम लेगा, जलता ही रहेगा। तो दिवाली तो ख़त्म हुई है, गोधन की तैयारी करते हैं। ये लिया है थोड़ा सा पालक या हाफ के जी में से नई निकला है बॉयल हुए पालक की ग्रेवी है। इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैंने इसमें बहुत कुछ डाला है। इसमें रोस्ट करके प्याज, टमाटर, आलू और थोड़ा सा पनीर लेना पड़ा क्योंकि पालक की क्वांटिटी बहुत कम है। पालक पनीर बनाना चाह रही थी लेकिन बना नहीं है। इसमें आलू वगैरह सब डाल के इस सबको थोड़ा हम रोस्ट कर लेंगे, नमक डाल के, मिर्च डाल के, चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो और सूखा धनिया भी, जो आप डालना चाहें, इससे जिस चीज़ का आपको टेस्ट अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हो। तो इसमें आलू मैंने उबला हुआ लिया है, पालक के साथ ही 2-3 आलू बॉयल कर ली थी, तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ये सब करना है। तो ये सब इसीलिए पालक पनीर इसे भी नहीं बोल सकते, आलू पालक भी नहीं, ये एक मिक्स तरह की सब्जी हो गई, बहुत ही टेस्टी बनने वाली। पालक मैंने इसमें डाल दिया है, नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार और इसको बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ा है। तो इसको थोड़ी देर बॉयल होने देंगे नमक डाल के 5 मिनट के लिए और ये 5 मिनट में सब्जी बहुत कम से पालक से बहुत अच्छी सब्जी बन गई है। इसमें 3-4 चीज़ डालनी पड़ी हैं, आलू, टमाटर, पनीर, लेकिन हाँ खाना खाने लायक बहुत अच्छी बन गई है। पालक बहुत कम पड़ गया था, बेकार निकल गया था। आप भी बना कर देखो, बहुत ही सादा बेहतरीन सब्जी। और अब मैं ये पूजा जिनसे करते हैं इनको उठा के रखूँगी। ब्रास के बर्तन है पॉलिश्ड और इनको किसी भी चीज़ से रगड़ना नहीं है, ऐसे ही सर्फ से धो के ऐसे ही रखते चले जाओ, 10 साल भी ऐसे ही रहेंगे। इसमें ज़्यादा रगड़ा नहीं लगाना है, तो इनको अगर ऐसी चमक बनी रहने देनी है, अगर पूजा के लिए रखने हैं तो आप इनको ऐसे ही रखते जाइए और अगर यूज करने हैं तो आप टेबल पे इसमें सौंफ और मिश्री भी रख सकते हैं। दोनों चीज़ के लिए बेस्ट मेरे को लगे तो इसलिए मैंने अपने लिए भी मंगाए और पूजा के लिए भी मंगाए हैं। और ये मैंने सर्फ से धो के सुखा के पन्नी में रैप करके रख दिए हैं और ऐसे ही मैं तो इनको पूजा में यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं इनको रख रही थी। ये है गांव और गोवर्धन पूजा। जीबीयू यूनिवर्सिटी है कैंपस अंदर। एक्सप्रेसवे पर आ गए हैं हम लोग और अब कुछ खाने के लिए जा रहे हैं मार्केट में।
कौन से मार्केट में जाएंगे। ये 135 के मार्केट में आए हम थोड़ी घूमने फिरने। ये योडिम सब के मोमोज ट्राई करने हैं बच्चे। ये 135 का मार्केट है, अच्छा है। ये भी नोएडा में एक से एक बढ़ के मार्केट है। पाम ट्री सुंदर लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज भाई दूज है और मैं अब उसकी पूजा करने जा रही हूँ और सारा ब्लॉग मैं एक साथ ही डालने वाली हूँ गोधन भाई दूज का। तो अब जिन जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है, भाई ने, बहन ने, सबको भाई दूज की शुभकामनाएं। और अब मैं पूजा करके अभी बस मैंने गोला रखा है और तिलक करूँगी। तो मैं हर साल निकालती हूँ 3 भाई और 4 भतीजे, 7 गोले निकालती हूँ। लेकिन अभी बस सब दूर दूर अलग अलग रहते हैं, तो अभी एक गोले से टीका करके और तब तक मैं व्रत रखती हूँ, तब तक मैं कहानी नहीं पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद अपनी पूजा करके खाना खा लेते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा व्रत नहीं होता है, सब बहन भाई अपने अपने घरों में आराम से कर लेते हैं। श्रीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक त्रेतादिक संगे ओम जय श्री ओम तारा करके बीज कमंडल चतुर्धरता बोले चतुर्धरता संगरता जन पालन करता ओम जय श्री ओम। और मेरी पूजा हो गई है, भाई दूज की पूजा हो गई है और सभी जो भी भाई बहन हैं सभी को बार बार मुबारकबाद और सबकी पूजा सफल हो, सबके भाई और बहनें की जोड़ी बनी रहे। भाई दूज के साथ ही अब सब त्यौहार धीरे धीरे लाइटिंग वगैरह के सब खत्म हो गए हैं। और भाई दूज पे मैंने क्या खाना बनाया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा भाई दूज का खाना, उड़द की दाल, सफ़ेद उड़द की दाल होती है ये। इसमें आप मसूर की डाल के बना लो, बहुत ही टेस्टी बनती है। और लेसेदार बैंगन की सब्जी, रोटी और चावल। तो सभी खाइयो, खाओ आप भी। तो ये है मेरा गोधन का और भाई दूज का ब्लॉग पूरा करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। बाय बाय।